छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इकाई 2 अध्याय 5.2 कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अभी हमने इसके पूर्व देखा कि जब हम किसी कंपनी की स्थापना करते हैं तो तीन भागों में उसकी स्थापना होती है। पहला कंपनी का प्रवर्तन अर्थात कंपनी का जन्म, कंपनी के बारे में विचार करना, कंपनी की स्थापना से संबंधित संसाधनों को जोड़ना प्रवर्तन संबंधी कार्य कहलाते हैं, और इसको करने वाला जो व्यक्ति या फर्म या संस्था होती है वो प्रवर्तक कहलाता है। दूसरा कंपनी का समामेलन अर्थात कंपनी के पंजीयन से संबंधित जुड़े हुए दस्तावेजों को कहाँ रजिस्ट्रार के पास जमा करना। फिर अब इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ पर जब कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ, जब कंपनी का प्रवर्तन संबंधी कार्य हो जाते हैं, कंपनी का समामेलन संबंधी कार्य हो जाते हैं, तब कंपनी को जो है व्यवसाय प्रारंभ करने का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, तब उसके पश्चात कंपनी जो अपने व्यवसाय का प्रारंभ करती है। तो यहाँ हम जानेंगे कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ से आशय, कंपनी के जो प्रमुख प्रलेख हैं जिनमें पार्षद सीमा नियम, उसका आशय, महत्व एवं उसकी विषय वस्तु। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम जानेंगे जो कंपनी का प्रमुख प्रलेख है वो पार्षद सीमा नियम क्या कहलाता है। यहाँ पर एक कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ, एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। कौन? निजी कंपनी। निजी कंपनी को जब रजिस्ट्रार के द्वारा समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लेती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर, उसे रजिस्ट्रार से व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी को निम्न कार्यवाहियों को पूरा करना होता है। सबसे पहले प्रविवरण या उसके स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण पत्र रजिस्ट्रार के पास जमा करना, साथ ही न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर अंशों का आवंटन करना पड़ता है। फिर निदेशकों ने योग्यता अंश का क्रय करके उन पर देय राशि का भुगतान कर दिया हो, किसी निदेशक या सचिव द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष इस आशय की प्रमाणित घोषणा जमा की गई, ये तीनों बातों की पूर्ति हो गई है। इस प्रकार रजिस्ट्रार जो है कि प्रविवरण जमा हो गया, न्यूनतम अभिदान के बराबर अंशों का आवंटन उन्होंने कर दिया, और जो योग्यता अंश थे जितने कंपनी के अंश पूंजी का जो एक हिस्सा है वो निदेशकों ने ले लिया है और उस पर देय राशि का भुगतान कर दिया है, और साथ ही घोषणा पर, ये सारी चीज हो जाने के पश्चात व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो एक सार्वजनिक कंपनी को जब तक प्रमाण पत्र व्यवसाय प्रारंभ करने का प्राप्त हो जाने के बाद भी ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर देती, जबकि सार्वजनिक कंपनी को जब तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक वो व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती। तो यहाँ हमने जाना कि ये कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद जो कंपनी के मूल प्रलेख हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जो प्रमुख प्रलेख हैं जो रजिस्ट्रार के पास उसको जमा करने होते हैं, जैसे नंबर एक है पार्षद सीमा नियम, दूसरा है पार्षद अंतरनियम, और तीसरा है प्रविवरण। यहाँ हम तीनों का गहराई से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्षद सीमा नियम, ये क्या कहलाता है, इसके जो अर्थ है परिभाषा। बेसिकली पार्षद सीमा नियम जो है वो कंपनी का क्या कहलाता है, चार्टर कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कि कंपनी के कार्य की सीमा को निर्धारित करता है, अर्थात जो कंपनी किस प्रकार से कार्य करेगी, जो कंपनी की अपनी सीमाएं हैं उनको क्या करता है, निर्धारित करता है। इसे बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि ये अपरिवर्तनीय होता है। तो कंपनी का चार्टर जो एक बार बन जाता है वो चेंज नहीं होता, कुछ वर्ण दशाओं को छोड़कर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे कंपनी के सभी अंशधारी इसमें परिवर्तन क्यों ना चाहते हैं। अर्थात कंपनी का चार्टर जो एक बार बन जाता है उसमें बहुत ही कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। ये कंपनी का क्या करता है, कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। तो पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है, साथ ही इसका उद्देश्य अंशधारी लेनदार तथा उन सभी व्यक्तियों को जो कंपनी के साथ लेन देन करते हैं कंपनी के कार्य क्षेत्र से अवगत
कराता है। परिभाषा है पार्षद सीमा नियम, कंपनी का क्या है, चार्टर है, और ये अधिनियम के अधीन अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। फिर वहीं मैकमिलन के कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछली कंपनी के अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी का चार्टर कहलाता है, जो कंपनी के अधिकार, उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करता है। ये उन सीमाओं का निर्धारण भी करता है जिसके बाहर किया गया कार्य अवैध या व्यर्थ है। यहां हम जानेंगे पार्षद सीमा नियम का महत्व क्या है। पार्षद सीमा नियम का जो महत्व निम्न प्रकार का है। नंबर एक, अनिवार्य प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रारंभिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रलेख है। इसी के आधार पर कंपनी का समामेलन किया जाता है। तो यहाँ पर यह एक आवश्यक और अनिवार्य प्रलेख कहलाता है। इसी के आधार पर जो है कंपनी का क्या होता है, समामेलन, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन किया जाता है। फिर कार्य क्षेत्र, पार्षद सीमा नियम जो है एक कंपनी के कार्य क्षेत्र को क्या करता है, स्पष्ट करता है। यदि कोई कार्य इससे के बाहर होता है तो वह अधिकारों से परे माना जाएगा। तो ये क्या बताता है, पार्षद सीमा नियम की कंपनी का कार्य क्षेत्र कितना है, क्या है। अपरिवर्तनीय, ये कंपनी का कैसा है, अपरिवर्तनीय चार्टर, इसमें परिवर्तन नहीं होता। जो एक बार चार्टर तैयार हो जाता है वही काम करता है। अधिनियम की कुछ दशाओं को छोड़कर इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। फिर कंपनी का संविधान, ये एक प्रकार से क्या है, कंपनी का संविधान है जो कंपनी के अधिकारों एवं सीमाओं का वर्णन करते हैं। तो अर्थात यहाँ पर जो है पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक प्रकार का संविधान है। उस संविधान के अनुसार जो है कंपनी अपने कार्य को संचालित करती है और ये कंपनी के अधिकार एवं सीमाओं का क्या करता है, वर्णन करता है। तो यहाँ हमने देखा पार्षद सीमा नियम का महत्व क्या है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी विषय वस्तु। पार्षद सीमा नियम में के अंतर्गत जो विषय वस्तु है कौन कौन सी है, इसमें जो है निम्न धाराएं या वाक्य होते हैं। पहला है नाम की धारा। तो पार्षद सीमा नियम में इसमें जो है कंपनी का नाम होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की दशा में लिमिटेड तथा निजी कंपनी की दशा प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाना चाहिए। साथ ही कंपनी का जो प्रस्तावित नाम किसी मौजूदा कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर निजी कंपनी की दशा में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए, सार्वजनिक की दशा में लिमिटेड। साथ ही कंपनी का जो प्रस्तावित नाम है वो किसी और से मिला जुला नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्थान की धारा। इस धारा में उस राज्य का नाम होता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से कंपनी रजिस्ट्रार तथा विवाद की दशा में न्यायालय की सीमा निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्थान की धारा है ये बताता है हमें कि उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किस राज्य में। फिर उद्देश्य की धारा, यह धारा जो है सीमा नियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। इसमें जो है कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है, उन उद्देश्यों का जिनको लेकर कंपनी की स्थापना की गई है, और कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो इस धारा में दिए गए हैं। यदि इन कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कंपनी करती है तो वह कंपनी के अधिकार से बाहर माना जाता है। इसलिए यहाँ पर उद्देश्य को लिखते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। वह सभी उद्देश्य इसमें लिखे जाएं जो कंपनी के निकट भविष्य या सुदूर भविष्य से मैं प्राप्त करना चाहती है। इसमें कंपनी के उद्देश्य वैधानिक एवं सुपरिभाषित होने चाहिए और सभी प्रमुख उद्देश्य जो हैं सूचीबद्ध होना चाहिए। तो उद्देश्य की धारा हमें ये बताती है कि कंपनी के जो निर्माण के उद्देश्य हैं वो उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साथ ही सूचीबद्ध होना चाहिए। फिर अगला बिंदु हमें यह बताता है दायित्व की धारा। इस धारा में ये घोषित करना पड़ता है कि सदस्यों का दायित्व उनके शेयर के मुद्रित मूल्य तक सीमित है। यदि किसी सदस्य ने अपने शेयर का पूरा मूल्य नहीं चुकाया तो उसका दायित्व केवल उस शेष के धन तक है जो अभी तक नहीं दिया गया। यदि सदस्यों ने दायित्व विषयक गारंटी दी हुई है तो इस धारा में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, और ऋण चढ़ जाने की दशा में प्रत्येक सदस्य का
अलग अलग दायित्व गारंटी कितनी, अर्थात जो यहाँ पर सदस्यों के जो लाइबिलिटीज है, दायित्व है, वो उनके शेयर के मुद्रित मूल्य तक सीमित नहीं है। यदि किसी सदस्य ने शेयर का मूल्य नहीं चुकाया तो उसका दायित्व केवल उस धन तक नहीं है जो उसने अभी तक नहीं दिया। यहाँ पर दायित्व विषय गारंटी जो उसके द्वारा दी गई, ऋण चढ़ जाने की दशा में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग दायित्व गारंटी कितनी है, ये दायित्व की धारा हमें बताती है ये चीज। फिर पूंजी की धारा, इस धारा में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी अथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी तथा निश्चित मूल्यों के शेयरों में उसका विभाजन किस प्रकार किया जाए। तो पूंजी की धारा में ये बताती है कि कंपनी की कुल अथराइज्ड शेयर कैपिटल पूंजी कितनी है और उस पूंजी को कितने मूल्यों के शेयर में उसका विभाजन किया गया है, ये पूंजी की धारा बात के हमें बताती है। फिर अभिदान की धारा, इसमें पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ता को ये लिख कर देना होता है कि वो अपने नाम के आगे लिखी हुई संख्या में अंशों को लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही उल्लेख किया जाता है कि वे अपने को एक संघ एसोसिएशन में बदलने को तैयार हैं। अर्थात यहाँ पर जो भी सदस्य हैं उन्हें पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षरित करना होता है कि वे अपने नाम के साथ जितने उनके अंश हैं वो लेने के लिए तैयार हैं और वे अपने आप को एक समूह यहाँ पर संघ एसोसिएशन के रूप में बदलने को तैयार हैं। तो ये जो हैं यहाँ पर पार्षद सीमा नियम के जो विभिन्न विषय वस्तु के बिंदु हैं उनको यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। नंबर एक, सार्वजनिक कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, कंपनी के मूल प्रलेख से आशय व उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तीसरा, पार्षद सीमा नियम से आशय व परिभाषा लिखिए। चौथा, पार्षद सीमा नियम का महत्व समझाइए। और पांचवा है, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु को स्पष्ट करिए।